हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो सबसे पहले तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। अपने आप पर भरोसा रखें, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपने जो पढ़ा है वही आने वाला है, जो आपसे नहीं बनेगा वो किसी से भी नहीं बनेगा। पेपर इजी आता तो सबके लिए इजी आएगा, पेपर टफ आता है तो पेपर सबके लिए टफ आएगा। तो टफ या ईजी को लेकर बिल्कुल भी मन में बिल्कुल ना सोचे ना, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो बस अपनी जो आपने जो हार्डवर्क सेक्रीफाइस वगैरह किया है ना, उस पर बस बिलीव रखें कि आपने जो किया है, मेहनत करी है, वो आज रंग लाने वाली है, ठीक है। उसके बाद ना दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ। आज 7 मई है, जैसे कि आप देख सकते हो आज नीट की एग्ज़ाम है ना। तो मैं एलन के एक चीज़ बताने वाला हूँ कि एलन के जो टेस्ट हुआ था ना लास्ट संडे, ठीक है, 30 तारीख को, तो उन लोगों ने ना, एलन वालों ने अभी तक उसमें रैंक वगैरह नहीं दी है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये रैंक NA आ रहा है, तो अभी तक इन लोगों ने, सोच सकते हो आप, कि रैंक नहीं दिए तो बच्चा क्या नीट की एग्ज़ाम देने के बाद आके एनालिसिस करेगा कि मैं अदर स्टूडेंट के कंपेयर मेरा क्या है, रैंक क्या आ रही है, बैच में रैंक क्या आ रही है, स्टेट का क्या आ रही है, ऑल इंडिया क्या आ रही है, तो ये क्या नीट देने के बाद बच्चा आके करेगा। तो ये नहीं, मतलब जो एलन वालों की बहुत बड़ी गलती है कि हिसाब से देखा जाए तो, कि इन लोगों ने मतलब DLP टेस्ट सीरीज जो परचेस करी है हमने, तो ओवरऑल इसको लगभग 30,000 के आसपास बच्चे अटेम्प्ट होते हैं ऑल इंडिया। सबके साथ ये दिक्कत होने वाली है कि वो मतलब दूसरों के साथ अपनी रैंक कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रैंक ही नहीं दी है यार अभी तक। तो क्या बच्चा नीट के बाद आके करेगा कि मेरी कितनी रैंक आई थी, उसका क्या बेनिफिट है यार, पहले हो तो ठीक है, अब क्या नीट के बाद आके वो ये करने बैठेगा, और वो चलो ठीक है उसके बाद करेगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा उसको। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एलन वालों की ये हरकत सबके सामने आए, ठीक है। क्या ये जो कोचिंग वाले बच्चे उनके साथ भी सेम यही हो रहा है या सिर्फ DLP वालों के साथ हो रहा है, ये चीज़ थोड़ा आप बताएं, ठीक है, कमेंट करके। अगर कोचिंग वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनकी जो है रैंक वगैरह आई है या नहीं आई है, प्लीज़, है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।